हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है। कुछ पन्नों को हम कभी पलटाना नहीं चाहते, लेकिन गलती से ही सही वो पलट ही जाते हैं। कुछ अनसुनी कहानियां जो हमने किसी को नहीं सुनाई, शायद वो समय ही कुछ ऐसा था जहां हम अपनी एक अलग ही दुनिया में खोए हुए थे। कुछ सपनों को मुकम्मल जो करना था, उसी सपनों को पूरा करने के लिए हम गहरी नींद में सोए हुए थे। कोटा एक अलग सा एहसास था जहां हम सबसे दूर बस खुद के पास थे। सबको कुछ ना कुछ हासिल करने का एक आस था। यहां सबके सपने मुकम्मल नहीं होते, फिर भी सब में एक जुनून, एक अलग ही प्यास था। वो कहते हैं ना, कभी कभी कुछ ना पाकर भी हम बहुत कुछ पा लेते हैं। शायद कोटा भी वही था, जहां भले ही कुछ के सपने मुकम्मल नहीं होते हो, लेकिन कोई खाली हाथ नहीं लौटता। ये कोटा ना असल में जिंदगी जीना सिखाती है। जब हम चलते चलते रास्ता भटक जाते हैं, ये कोटा ही हमें सही राह दिखाती है। बहुत कुछ सिखाया इसने। कब कोटा से नफरत करते करते प्यार हो गया पता ही नहीं चला। रात में जगना, दिन में सोना, सारे रूटीन उलट पुलट हो गया था। इन छोटी छोटी चीजों को हम कैसे भूल जाएं भला। मेस का सरा हुआ खाना, संडे को टेस्ट देने जाना, टेस्ट में कम नंबर आने पे अगले टेस्ट में फोड़ देंगे, ऐसा खुद को समझाना। वो जिंदगी वापस तो नहीं जीना, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके हमने कोटा का वो समय पार किया। इतना प्रेशर के साथ हर दिन जीना आसान नहीं था। इसलिए कहते हैं ना, अगर कोटा को झेल लिया तो तुम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को संभाल सकते हो। कुछ अनजाने लोगों से ना चाहते हुए भी एक अजीब सा रिश्ता बन गया था। कुछ हॉस्टल मेट्स हमारे फैमिली से कम नहीं थे। हर मुसीबतों को हम सब ने मिलकर सहा। कभी कभी ही हमें खुशी के पल मिल पाते थे, उसे भी हमने खुलकर जिया। रातों में जग कर पढ़ना, साथ में मिलकर मैगी बनाना। शायद साथ में मिलकर मैगी बनाते बनाते ही हमने एक रिश्ता बना लिया था। हमें एहसास तक नहीं था जब हम इनसे बिछड़ जाएंगे, शायद कभी मिलना भी नहीं होगा। कुछ अजीब सा रिश्ता जो बन गया था साथ रहते रहते, फिर भी मिलने का एक झूठा दिलासा खुद को दिला देते थे एक दूसरे को अलविदा कहते कहते। कोटा ने हमें बहुत कुछ दिया, हमने भी कोटा को खुलकर जिया। आज भी याद है वो पल जब हम कोटा को अलविदा कह रहे थे। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, हम ट्रेन की खिड़की से कोटा के दर्शन आखिरी बार कर रहे थे। वो छोटे से पल में कई सारी यादें हमें रुलाने के लिए काफी थे। अलविदा कहना तो था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमारा मन मान नहीं रहा था। आंखों में आंसू भी थे जो सिर्फ हम ही देख और महसूस कर पा रहे थे। जैसा भी था, लाजवाब था वो कोटा का सफर। उस समय तो कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज कह ही देता हूं। थैंक यू कोटा, थैंक यू फॉर टीचिंग मी हाउ टू लिव लाइफ, थैंक यू फॉर टीचिंग मी हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस, थैंक यू फॉर टीचिंग मी हाउ टू लर्न फ्रॉम फेलियर्स। थैंक यू कोटा, थैंक यू सो मच।